भारत समेत दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज बनकर तैयार हो गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई गई इस बूस्टर डोज ने कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ बेहद मजबूत एंटीबॉडी को पैदा किया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑक्सफोर्ड के बूस्टर डोज को लेकर हुए एक शोध के हवाले से यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह शोध ऐसे समय पर सामने आया है जब वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने चेतावनी दी है कि दुनिया को कोरोना वेरिएंट से निपटने के लिए हर साल बूस्टर डोज लगवानी पड़ सकती है। शोध में पाया गया है कि ऑक्सफोर्ड का बूस्टर डोज कोरोना वायरस के किसी भी वेरिएंट पर बेहद प्रभावी है। इसके साथ ही यह आशंका भी खत्म हो गई है कि एडिनो वायरस का इस्तेमाल एक बार से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। यह शोध अभी प्रकाशित नहीं हुआ है और अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह शोध रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस वैक्सीन में इस नई तकनीक का इस्तेमाल करके एडिनो वायरस के परिवर्तित संस्करण का इस्तेमाल किया गया है। इस बीच कुछ वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि अगर कोरोना वेरिएंट से निपटने के लिए हर साल अनिवार्य रूप से बूस्टर डोज लगाया गया तो इससे वैक्सीन का असर कम हो सकता है। यह अभी पता नहीं चल सका है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब तक इस अध्ययन को प्रकाशित करने जा रही है। इस बीच दुनिया भर में अब बूस्टर डोज खरीदने के लिए भी होड़ शुरू हो गई है। यूरोपीय संघ ने फाइजर के साथ अरबों डोज खरीदने के लिए एक करार किया है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही है और अब तक करोड़ों लोग इसकी एक या दो डोज लगवा चुके हैं। हालांकि खून में थक्के जमने के कारण यह वैक्सीन पूरी दुनिया में विवादों में भी आई है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को हाल ही में एक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें कहा गया है कि भारत में भी ऐसे 26 मामले सामने आए हैं जिनमें ब्लड क्लॉट जमता देखा गया है। इन सभी लोगों को कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। यूरोप के कई देशों में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को बैन कर दिया गया है। ब्लड क्लॉट के खतरे को देखते हुए इस वैक्सीन को बनाने वाले ब्रिटेन में 40 साल से कम उम्र के लोगों को यह वैक्सीन नहीं लगाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीका लगवाने के 20 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, हाथ में सूजन या दर्द, टीका लगने वाले जगह पर लाल निशान, पेट में दर्द, लगातार उल्टी आना, लगातार सिर में दर्द होना, किसी अन्य हिस्से में लगातार दर्द होना, आंखों में दर्द जैसा लक्षण आए तो तत्काल अपने अस्पताल को इसकी सूचना दें। इस बीच कंपनी ने कहा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। नवभारत टाइम्स.com के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।